तड़तड़ाहट से गूंज उठा मथुरा। दिल्ली और मथुरा पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर का कर दिया एनकाउंटर। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। योगी के गढ़ में दिल्ली पुलिस ने मथुरा पुलिस के साथ मिलकर तगड़ा एक्शन किया है। दोनों राज्यों की पुलिस की टीम ने यहां पर बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर योगेश कुमार उर्फ राजू का एनकाउंटर कर दिया है। योगी के राज्य में दिल्ली पुलिस ने इस ताबड़तोड़ एक्शन को अंजाम दिया है। पूरा मामला रिफाइनरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बुधवार की सुबह पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। योगेश ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने योगेश का एनकाउंटर कर दिया। योगी की पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है, उसका इलाज चल रहा है। कैसे हुआ एनकाउंटर? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर योगेश 26 साल का है और बदायूं का रहने वाला है। इसके बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि वो मथुरा के रिफाइनरी इलाके में छिपकर बैठा हुआ है। लोकेशन का पता लगते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मथुरा पुलिस के साथ मिलकर दबिश देने का प्लान बना चुकी थी। भले ही दिल्ली टीम इस ऑपरेशन को लीड कर रही हो, लेकिन तरीका फुल ऑन योगी की पुलिस की अपनाई गई थी। फिर इस प्लान के तहत पुलिस की टीम पहुंची रिफाइनरी इलाका, जहां पुलिस को देखते ही शूटर योगेश भागने लगा और फाटक पार करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए गोलियां चलाई जो उसके पैर में जा लगी और योगेश वहीं गिर गया। जब तलाशी ली गई तो योगेश के पास से 32 बोर की पिस्टल मिली, 10 कारतूस मिले, साथ ही साथ बाइक भी बरामद कर ली गई। कल देर रात रिफाइनरी पुलिस और दिल्ली पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एक योगेश उर्फ राजू है, जो ग्रेटर कैलाश थाना दिल्ली का वांटेड है, ये पुलिस मुठभेड़ में कल पकड़ा गया, रात देर रात पकड़ा गया। इसके एक्सचेंज ऑफ फायर में इसको पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक तमंचा और इलीगल वेपन और कारतूस और खोखा बरामद हुए हैं। जो मोटरसाइकिल थी प्रथम दृष्टया वो चोरी का है, बाकी इसमें डिटेल अभी असर्टन किया जा रहा है। और जो घायल है उसको एडमिट कर दिया गया, बाकी विस्तृत इससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि प्रकरण दिल्ली का है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिल्ली पुलिस से बता पाएगी। सर, से भी गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है इसको? नहीं, इसके बारे में पूरा जो तहकीकात है, क्योंकि ये विवेचनात्मक कार्रवाई है और इसमें क्योंकि मेन घटना है इसका दिल्ली से जुड़ा हुआ है, तो दिल्ली पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। कोई यदि इनपुट और हमारे पास आता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई हम करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई का एक और शूटर गिरफ्तार। एक तरफ दिल्ली और यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में थी, उधर मुंबई पुलिस ने भी लॉरेंस बिश्नोई को एक बड़ा झटका दे दिया। पानीपत में पुलिस ने एक और शार्प शूटर सुखा को अपने गिरफ्त में ले लिया है। यह उन आरोपियों में शामिल है जिसने सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस की रेकी की थी। प्लान था फार्म हाउस पर हमले का। इस मामले में अब तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को फायरिंग की गई थी। नाबालिग के माध्यम से सलमान पर हमला करने की योजना बनाई जा रही थी और इस मामले के बाद इनका इरादा बोट के जरिए कन्याकुमारी से श्रीलंका भाग जाने का था। टर्की मेड जिगाना पिस्टल से लॉरेंस गैंग सलमान खान को मारने का प्लान बना रहा था। ये वही पिस्टल है जिससे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। 14 अप्रैल को भी सलमान के बांद्रा स्थित घर पर दो बाइक सवार हमलावरों ने 7.6 बोर की बंदूक से 4 राउंड फायरिंग की थी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ही ली थी। देश भर में पुलिस लॉरेंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती नजर आ रही है। दो गुर्गों की गिरफ्तारी बिश्नोई के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मुंबई पुलिस का सुखा को गिरफ्तार करना और इधर मथुरा पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में योगेश की गिरफ्तारी से पुलिस महकमे को दोनों ही केस में कई सुराग मिलने के उम्मीद जताए जा रहे हैं। क्या जिस तरह से योगी के यूपी में दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस का स्टाइल अपनाया है, उस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े गैंगस्टर के होस्ट ठिकाने लगाने के लिए योगी का मॉडल ही कारगर साबित हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।